Hey guys, for more videos on digital marketing, please subscribe to my YouTube channel and press the bell icon. Hello friends, मैं उदित। इस वीडियो में बात करेंगे बुक्स की। बुक भी एक नॉर्मली प्रोडक्ट ही होता है, लेकिन फिर भी हम बुक स्कीमा अलग से भी डाल सकते हैं। जैसे हम ठीक है, उसमें अंदर हम बुक का नाम, बुक की इमेज, बुक का ऑथर, डेट पब्लिश, पब्लिशर, ठीक है, लैंग्वेज, जेनर, बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसके अंदर, रेटिंग, रिव्यूज़ बुक्स के, ऑफर मतलब प्राइस, और SKU जैसे प्रोडक्ट है तो ऑब्वियसली इसका भी कोड होगा, तो वो कोड डालेंगे यहाँ पे। जब भी कोई बुक सर्च करेगा तो आप देख रहे हो जैसे इमेज के अंदर रेटिंग रिव्यू सब आ रहे हैं, तो इसको प्रोडक्ट के अंदर नहीं लेंगे हम, बुक का एक सेपरेट होता है। ठीक है, चाहो तो हो सकता है कि बहुत सारों ने अंडर प्रोडक्ट कैटेगरी भी ले रखा हो, लेकिन बुक्स में लोगे तो गूगल अलग से एडवांटेज देगा। जैसे कोई पर्टिकुलर बुक सर्च करता है किसी जेनर की, तो उसमें मार्कअप की वजह से आपकी बुक भी आ सकती है वहाँ पर, और क्लिक करेगा तो साइट पर जाएगा। तो सिर्फ वेबसाइट के लिए मत करो, अदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे किसी ने बुक सर्च करी और काफ़ी सारी और चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। उसमें ये स्कीमा जो है, आप क्लियरली बता रहे हो कि ये जो प्रोडक्ट है ना, ये प्रोडक्ट एक्चुअली एक बुक है, और बुक का ये जेनर है, ये इसकी रेटिंग रिव्यूज है, ये इसका ऑथर है, ये इस लैंग्वेज में लिखी हुई है, तो कहीं और भी जगह पर आपको इसकी प्रायरिटी मिलती है, तो आप बुक का स्कीमा लगा सकते हो। ये भी बहुत लिमिटेड लोगों के लिए है, सबके लिए नहीं, ठीक है ना, बहुत लिमिटेड यू नो वेबसाइट्स में ये चीज़ लगती है, मेनली ई-कॉमर्स में लगती है, ठीक है। तो जिस पर आप लगा सकते हो, बाकी प्लगइन और बिल्डर की बात कर रहे हैं हम, तो ना प्लगइन में ऑप्शन है ना बिल्डर में ऑप्शन है, लेकिन सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है वो आपको मिल रहा है, तो आप बुक रिव्यूज़ यहाँ पे ले सकते हो, ठीक है, अपनी वेबसाइट का यहाँ पे। अभी होम पेज जाके सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ क्या क्या ऑप्शंस हैं। आपका अगर पेज है बुक से रिलेटेड, तो वो जो सब चीज़ें स्कीमा में चाहिए होती हैं वो जब आपके पेज पे ऑलरेडी होगी, जनरल भी होगा, कैटेगरी भी होगी, नाम भी होगा, डिस्क्रिप्शन भी होगा, प्राइस भी होगा, रिव्यू भी होगा, रेटिंग भी होगा, सब चीज़ें होंगी। तो टाइटल, ऑथर, डेट पब्लिश, पब्लिशर, लैंग्वेज, जनरल, रेटिंग, रिव्यूज़, सब चीज़ें हैं, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें आप डाल सकते हो, और सबसे बढ़िया बात है कि आप एक बुक का करके दिखाओगे बाकी होगा अपने आप हो जाएगा, तो एक बार की मेहनत है लोगे तो हो जाएगा। तो दिस वे आप इसको कर सकते हो, और क्योंकि गूगल से हो रहा है तो कोई कोड लगाने की जरूरत ही नहीं है, चाहे स्टैटिक हो चाहे डायनेमिक हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इतना ही इस वीडियो के अंदर, कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।